Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका testbook.com में। हाल ही में SBI ने अप्रेंटिस की पोस्ट लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जिसमें टोटल 6100 वैकेंसीज रिलीज हुई थी और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आपके जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो आपकी 26 जुलाई 2021 तक ओपन रहेगी। अब देखिए, जो कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले हैं और तैयारी कर रहे हैं SBI अप्रेंटिस की, उनके लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे SBI अप्रेंटिस के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं SBI अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहता है। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट यहाँ पर आते हैं। SBI अप्रेंटिस का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आपके टोटल 4 सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाते हैं। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं? रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसके 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के और 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के और 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के, यहाँ पर भी आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के और आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। यानी टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए आपके, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और 1 घंटे यानी 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। यहाँ पर सेक्शनल टाइम रहता है, आपको हर सेक्शन के लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न हो गया, 4 सब्जेक्ट, 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 1 घंटे का टाइम। अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनका सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस का सिलेबस क्या है। तो इसमें आपकी जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसके क्वेश्चन आते हैं, कैपिटल एंड करेंसी के सवाल आते हैं, जो जनरल नॉलेज है जिसमें स्टैटिक भी आपका होता है, और जो करेंट अफेयर है उसके से रिलेटेड सवाल आते हैं। करेंट अफेयर्स में जो भी मतलब हाल फिलहाल में देश और दुनिया में जो घटनाएं हुई हैं, जो कुछ घटा है, वो सारे सवाल आपके आते हैं। उसके बाद देखिए, डेवलपमेंट से रिलेटेड सवाल आते हैं, और जो बैंकिंग सेक्टर है, जो बैंकिंग सेक्टर में जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, उसके सवाल आते हैं आपको। बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल जो इकोनॉमिक्स है उसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो सरकार की स्कीम्स होती हैं, जो योजनाएं होती हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, वो यहाँ पर आपसे पूछी जाती हैं। विज्ञान साइंस जो होता है, जिसमें आपका इन्वेंशन और डिस्कवरीज जो होते हैं, वो सारे आपके यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल, वो आपसे यहाँ पर पूछी जाती हैं। बुक्स एंड ऑथर्स के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल आते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड सवाल भी आपके पूछे जाते हैं। तो बेसिकली ये मोटा मोटा यहाँ पर आपका सिलेबस रहता है जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस का। फिर आपका अगला सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश। इसमें सबसे पहले आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आते हैं, क्लोज टेस्ट आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, एरर डिटेक्शन आता है, सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करने के लिए पूछा कहा जाता है आपसे, स्पेलिंग एरर्स आते हैं, वोकैब आता है, प्रीपोजिशन आता है, और एडवर्ब के सवाल आपके पूछे जाते हैं जनरल इंग्लिश में। अगला है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें आपका देखिए डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, परसेंटेज के सवाल आते हैं, एवरेज के सवाल पूछे जाते हैं आपके, डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल आते हैं, नंबर सीरीज पूछी जाती है, नंबर सिस्टम पूछा जाता है, इंटरेस्ट पूछा जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल पूछे जाते हैं, मेंसुरेशन कवर होता है यहाँ पर, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड सवाल आते हैं, एवरेज के सवाल आते हैं, प्रॉब्लम ऑन एजेस से संबंधित जो सवाल है वो भी आपके पूछे जाते हैं। फिर है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग आता है, ब्लड रिलेशन आता है, सिलॉग्स आते हैं, एनालॉजी आता है, पजल आपके आते हैं यहाँ पर, अल्फाबेट्स आते हैं, वर्ड ऑर्डर से संबंधित सवाल आते हैं, वर्ड फॉर्मेशन आता है, इनपुट एंड आउटपुट के सवाल आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट आता है, इनइक्वलिटी से संबंधित सवाल भी आपके रीजनिंग में पूछे जाते हैं। रीजनिंग के बाद आपका आता है कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्योंकि रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है वो आपका एक ही में शामिल होता है, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। लेकिन कंप्यूटर एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहता है वो हम जान लेते हैं। MS Excel आपका हो गया, MS PowerPoint हो गया, MS Word हो गया, RAM एंड ROM हो गया, कीवर्ड्स के जो शॉर्टकट्स होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी होती है, इंटरनेट से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, कंप्यूटर के जो फंडामेंटल्स होते हैं, कंप्यूटर की जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, एब्रीविएशंस होते हैं, वो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, नेटवर्किंग से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं।
तो ये सारे आपके जो है वो पूछ जाते हैं, कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है, किस तरह से कंप्यूटर काम करता है, इंटरनेट जो है वो किस तरह से काम करता है, ये सारे सवाल आपके कंप्यूटर में पूछे जाते हैं। तो ये था SBI अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। एग्जाम पैटर्न की हमने बात की थी यहाँ पर। एग्जाम पैटर्न में आपके चार सवाल आते हैं, चार सब्जेक्ट आते हैं, हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस होते हैं 25 नंबर के, और 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। यानी चार सब्जेक्ट 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स और एक घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। तो देखिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की तो हमने बात कर ली है, लेकिन समय समय पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो आपके अलग अलग एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के साथ आप तैयारी कर सकते हैं 360 प्लस एग्जाम्स की, और इसमें आपको 21,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी देखिए यहाँ पर एग्जाम फीवर सेल भी चल रही है, यानी सिर्फ ₹299 में आप अवेल कर सकते हैं इस ईयरली टेक्स्ट बुक पास को, और घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं 360 प्लस एग्जाम्स की 21,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट के साथ। और अगर आप मोबीक्विक यूजर हैं तो इसमें आपको 20% का कैशबैक भी मिलेगा। तो ये था SBI अप्रेंटिस के रिक्रूटमेंट का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। अगर आप लोग एलिजिबल हैं और इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो चुकी है। 26 जुलाई 2021 लास्ट डेट है SBI अप्रेंटिस पे अप्लाई करने की। तो इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस तरह के और वीडियोस, एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स और अपनी स्टडी के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।